अहमदाबाद के पिपलिया बेरा पर 7 दिवसीय भागवत गीता पाठ एवं पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ की पूर्णाहुति का हुआ समारोह पूर्वक आयोजन। अहमदाबाद के पिपलिया बेरा पर 7 दिवसीय भागवत गीता पाठ एवं पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन आत्मानंद महाराज के शिष्य ज्ञान आत्मानंद महाराज के मुखारविंद से किया गया। भागवत कथा के अंतिम दिन ज्ञान आत्मानंद महाराज ने श्री भागवत गीता के 18वें अध्याय की व्याख्या करते हुए बताया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है, उसके लिए हमें योग्य सदगुरु के चरण जाना चाहिए जो सत्संग के माध्यम से हमें परमात्मा का मिलन करा सकते हैं। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी नशे में जकड़ती जा रही है, जिससे शारीरिक और मानसिक दुर्बलता का शिकार होता जा रहा है। वही मोबाइल एवं टीवी पर परोसी जा रही अश्लीलता से चरित्र में दुर्बलता पैदा हो रही है। इसके लिए सभी माता पिता एवं अभिभावकों को अपनी अपनी संतानों का ध्यान रखते हुए चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर कन्या पूजन एवं ब्रह्म यज्ञ का भी आयोजन किया गया। इस दौरान अरणियाली से रामलाल महाराज, रानीवाड़ा से रेवाराम माली, गुड़ामालानी से टीकमाराम चौधरी, तिलोड़ा से खीमाराम माली, तलसाराम देवाराम माली, भैंसवाड़ा से सुरेश गहलोत, सायला से अशोक गहलोत, उम्मेदाबाद से हंसाराम माली, रेशा राम सुंदेशा, डॉक्टर चंपालाल सोलंकी, मांगीलाल परमार, मीठालाल गहलोत, ओशाणा से रमेश गहलोत, ओटवाड़ा से गजाराम माली एवं जोगाराम माली, केशवणा से रणछोड़ाराम माली, धनाराम माली व पूर्णमाराम सोलंकी सहित सैकड़ों माता बहने एवं पुरुष उपस्थित रहे।